हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सेप्टेक टेक्निकल एनालिसिस में। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मेरा वीडियो, अगर यूट्यूब आपके चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। सेकेंड थिंग, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को कंटिन्यू हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट करता आया हूँ कि मार्केट में पोजिशनली या इंट्राडे किस तरीके से काम करना है, कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है और कहाँ पे ब्रेकडाउन आएगा। और मेरा व्यू यही है कि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दिया जाए, तो मैं कोशिश करता हूँ अपने तरफ से। इसलिए अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करें, जिससे कि मैं और भी चीज़ें आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा। तो अब नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है, और आज का जो क्लोजिंग हुआ है बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पे हुआ है। बाजार में बहुत सारे लोग फंस गए हैं। जब मेरी एनालिसिस थी कि यहाँ से मार्केट गिरेगा अप्रैल और मई फर्स्ट वीक में टॉप बनाने के बाद, बाजार में कभी भी करेक्शन हो सकता है, 18-19 तारीख तक बॉटम बन सकता है। 18-19 बॉटम बनने का मतलब ये नहीं होता है कि 18-19 को ही बनेगा, दो दिन पहले या दो दिन बाद कभी भी बनने के चांसेस होते हैं। और एज फॉर टाइम एनालिसिस बिल्कुल एक्यूरेट मैच कर रहा है, ऊपर से हम 300 पॉइंट नीचे आ चुके हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बहुत बड़ी गिरावट देखी गई है। तो ये कंप्लीट स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन की तेज़ी थी, जो मैं पहले से सजेस्ट करता आया हूँ कि मार्केट में जहाँ भी थके 10,400 पे, 10,600 पे, 10,900 पे, ये मेरे तीन लेवल थे, तीनों लेवल, और 10,900 पे स्ट्रिक्टली वहाँ पे थकना ही था बाजार को। लेकिन वहीं पे जाकर के थर्ड अटेम्प्ट पे लोग पहले 10,400 पे 33% लोग तेज़ी में आए थे, और 10,640 के लेवल को तोड़ने के बाद लोग 66% तेज़ी में आ गए थे, और बाकी का जो 33% बच गए थे वो सारे तेज़ी में आ चुके थे। और 100% मार्केट ने सबको तेज़ी में लेने के बाद एक बहुत बड़ी गिरावट इस हफ्ते देखा गया। और पिछले वीक का वीडियो आप मेरा देख ले, मैंने क्लियरली बोला था 10,806 के पे क्लोजिंग हुआ था, और मैंने बोला था कि 10,940 तक जाए तो वहाँ पे हमें सेलिंग करना है, क्योंकि ये बाजार एक साल तक टॉप नहीं बनाने वाला है। और एक्चुअली मैक्सिमम लोग इंडेक्स देखते हैं, और मैं शुरू दिन से, जब से मैं ये यूट्यूब चैनल ऐड चालू किया हूँ, एक साल से मैं कंटिन्यू फॉलो कर रहा हूँ कि स्टॉक पहले बताएगा कि मार्केट में किस तरीके की तेज़ी रहने वाली है। तो ये तेज़ी सस्टेन नहीं करने वाली थी। हाँ, इसी गिरावट में जो स्टॉक बहुत सारे जो पिट गए हैं और वैल्यूएशन अच्छे हैं उनमें तेज़ी आएगी, लेकिन ये थकावट दूर होने दीजिए, और जो करेक्शन चालू है वो करेक्शन कंप्लीट होने के बाद ही तेज़ी आने के चांसेस है। एक करेक्शन यहाँ से 100-125 पॉइंट और नीचे जाएगा, फिर हम कंसोलिडेट करेंगे और फिर एक बड़ी गिरावट आएगी। तो इसलिए इस मार्केट से, इंडेक्स से पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है। ये बाजार कम्प्लीटली ऐसा हो गया है कि यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करके अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इंट्राडे में ही पैसा निकाल के चले जाइए, वरना अगर आपने स्टॉक को होल्ड कर लिया, क्योंकि मैंने देखा है कि जिस स्टॉक को अगर हम होल्ड कर लेते हैं उसी स्टॉक में लॉस होने की संभावना होती है, तेजी साइड में या बाई साइड में, सेल साइड में या बाई साइड में, दोनों ही साइड में नुकसान होने के चांसेस होते हैं। और जिस तरीके से मैंने लास्ट वीक एनालिसिस किया था, SRF में एक बड़ी गिरावट आएगी, SRF का टॉप बन गया है। इस हफ्ते मैंने एशियन पेंट्स का स्टडी किया है कि एशियन पेंट्स में एक बड़ी गिरावट आने के चांसेज है, प्राइवेट बैंकों में बड़ी गिरावट आने के चांसेज है। तो ये मेरा व्यू अभी SRF में, और एक एक दिन में सारे पॉइंट लूज होने वाले हैं। जिस तरीके से SRF में गिरावट हुई है, स्कॉट में गिरावट हुई है, उस तरीके से आने वाले टाइम में, तो मैं ये नहीं बोलता कि यहाँ से स्टॉक शॉर्ट करके चलिए। ये मार्केट ऐसा हो गया है कि शॉर्ट करने वाले को भी नहीं कमाने दे रहा है और बाई करने वाले को भी नहीं कमाने दे रहा है। यहाँ पे इंट्राडे जो लेवल जो जानता है, गैन एंगल, वोलेटिलिटी या चार्टिस्ट, जिस तरीके से भी आप इंट्राडे के बेसिस पे लेवल पे काम करते हैं, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको लेके निकल जाइए, वही पैसा बनाएगा। ये कम्प्लीटली ट्रेडिंग मार्केट है, अगले एक साल छः महीने तक ट्रेडिंग मार्केट रहेगा। और किसी स्टॉक में अगर आप फंसे हैं और कंपनी अच्छी है तो उसको होल्ड करें,
वो कंपनी जरूर रिवाइव मार्केट अच्छा होगा तो स्टॉक चलेंगे। तो कंप्लीटली जिस स्टॉक को पोजिशनली आपने होल्ड कर लिया तो चांसेज है 10-20% की गिरावट होने का, लेकिन उसको होल्ड करेंगे तो आने वाले टाइम में प्रॉफिट होने के चांसेज होगा, क्योंकि ये बियर मार्केट नहीं है, ये बुल मार्केट है। और जिन भी ये स्टॉक में गिरा लॉस हो रहा है उसको उसको इंट्राडे ट्रेडिंग करके आप उसका प्रॉफिट उसमें ऐड करें। अच्छा कंपनी होना चाहिए, उसका डिविडेंड यील्ड और उसमें आपका क्वार्टरली रिजल्ट और EPS और PE अच्छा होना चाहिए, उसके बेसिस पे ही उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। खैर आगे हम स्टॉक पे चर्चा पे स्टडी करेंगे। आज मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का 21 मई से लेकर के 25 मई का स्टडी कर लेता हूँ। और निफ्टी का जो रेंज रहने वाला है मंडे के लिए 10,620 के ऊपर तेजी आ जाएगी, टारगेट होगा 10,660 और 10,582 के नीचे सेल साइड जनरेट होगा और 10,530 तक हम जा सकते हैं। अब हम जाएंगे कैसे वो इम्पोर्टेंट है, लेवल तो कोई भी शेयर कर देगा। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि आप तो दोनों का लेवल शेयर कर देते हो, नहीं जाएगा किधर। तो एज फॉर टेक्निकल एनालिसिस 10,647 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होना चाहिए और जब तक 10,650 और 10,670 के ऊपर नहीं जाए क्लोजिंग बेसिस पे तब तक हम डाउनसाइड में ही रहेंगे। और 10,520 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ तक आने के लिए उससे पहले बाजार 10,530 के आसपास 35 के आसपास आएगा, फिर बाउंस मारेगा 10,590 की तरफ। अब फिर से गिरावट जो आएगी 10,520 तक लेके जा सकता है। तो इस तरीके से निफ्टी का ये मंडे के लिए एनालिसिस है। वीकली एनालिसिस जो निकल के आया है 10,560 के नीचे स्ट्रॉन्ग वीकली डाउनसाइड हो जाएगा और टारगेट जो होगा 10,430 ये मेन टारगेट होगा और 430 या 480 ये स्ट्रॉन्ग टारगेट होगा। टारगेट 4 और टारगेट फाइनल टारगेट के बीच में आ सकता है। और यदि 10,510 एक मेजर टारगेट है, इसको यहाँ से अगर हम दोबारा 10,570 के ऊपर चले जाते हैं और आज के क्लोजिंग के ऊपर आ जाते हैं, क्लोजिंग दे देते हैं, इट्स मींस मंगलवार को या सोमवार को 10,500 का लो बना के 10,480 का लो बना करके दोबारा से 10,560 के ऊपर और आज के क्लोजिंग के ऊपर आ जाते हैं तो फिर से हम इस साइड भी जाएंगे 10,720 की तरफ। मींस इस हफ्ते चांसेज है कि टारगेट 4 इधर का भी टच करे और टारगेट 4 इस साइड का भी टच करे। तो सबसे पहले टारगेट 4 या टारगेट 3 के बीच में हम आएंगे और उसके बाद रिवर्स मारेंगे तो टारगेट 3 और 4 की तरफ जाएंगे। तो ये सारी एनालिसिस जो होती है स्टडी के बेसिस पे होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि इधर भी आएंगे तो इधर भी जाएंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मार्केट में गिरावट हुई है तो पैनिक बॉटम बन सकता है एक दो दिन के अंदर में, जो मेरा प्रीवियस वीडियो में स्टडी भी था कि 18-19 तक बॉटम बनेगा तो 19 को छुट्टी होने के कारण 21-22 तक बॉटम बन सकता है। तो अब देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या लेवल निकल के आया है। वैसे मैं टेक्निकली बोल दूं, टेक्निकली 18 तारीख एक मेजर टारगेट था, अगर किसी भी कारणवश 10,660 के ऊपर मंडे के ऊप आ जाते हैं, खुल जाते हैं या क्लोजिंग दे देते हैं तो फिर से हम रिकवरी देखेंगे 10,750 की तरफ। तो यहाँ पे एग्जिट रैली होगा, कंप्लीट एग्जिट रैली होगी, यहाँ से आप निकल जाएं। अब बैंक निफ्टी का क्या लेवल निकल के आया है, तो बैंक निफ्टी का भी सेम सिनारियो है, 26,000 के ऊपर तेजी आ जाएगा, टारगेट होगा 26,500 तक और 25,700 के नीचे वीकनेस आ जाएगी, इसका टारगेट होगा डाउन साइड का 25,500। तो ये रहा हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे एनालिसिस। और जिन लोगों को इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या स्टॉक ट्रेडिंग से रिलेटेड, ग्रैंड टाइम साइकिल एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पे।
मैं गैन का कोर्सेज भी कराता हूँ, जिनको भी ये कोर्सेज कम्प्लीटली 3 दिन का कोर्स है, कंप्लीट 10 से 12 घंटे लगते हैं, 2-2 घंटे करके 1 हफ्ते का कंप्लीट कोर्स है, और उसमें मैं आप लोगों को 1 मंथ का कंप्लीट फ्री सर्विसेज भी देता हूँ। कोई भी स्टॉक में कोई भी लेवल आपको निकालने में तकलीफ हो रहा है स्टडी करने के बाद या स्टडी के टाइम में, तो उसमें कंप्लीट मैं हेल्प करूँगा। और दूसरी चीज़, मैं गारंटी के साथ ये भी बोलता हूँ कि अगर आप लोगों के पास इस कोर्स को करने से पहले आपके पास मिनिमम कैपिटल जो है 2.5 से 5 लाख रुपए होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो कोर्स का पैसा भी रिकवर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 51,000 आपने दे दिए और आपका पैसा रिकवर ही ना हो रहा है। तो आप अगर 5 लाख रुपया या 2.5 लाख से अगर इस कोर्स को सीखते हैं तो मेरी गारंटी है कि 1 महीने के अंदर में आप 50,000 रुपीज़ अर्न कर लेंगे इंट्राडे गैन ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग तो पोजिशनल भी होगा, इंट्राडे भी होगा, लेकिन इंट्राडे ही ट्रेडिंग से आप 50,000 अर्न कर सकते हैं। डिसिप्लिन यही होगा कि आपको पोजीशन को होल्ड नहीं करना है, तो और क्योंकि ये मार्केट जो अभी है पोजिशनल मार्केट नहीं है, और पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा ही मार्केट का बिहेवियर सही नहीं चलने के कारण। और वैसे गैन टाइम साइकिल एनालिसिस के बेसिस पे आपको मैं वीडियो भी शेयर करता हूँ वीकली या मंथली, उस वीडियो में आप देखते होंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम टारगेट हिट करते हैं, प्रॉफिट होने के भी चांसेस होते हैं पोजिशनली। तो उस तरीके का कंप्लीट एक्चुअली मेरा व्यू है कि आप अगर 51,000 रुपीज़ दे के कोर्स करते हैं तो इंट्राडे में ही पैसा बन जाए तो क्या बुरा है। तो इसलिए पैसा आपका घर में रहेगा और उल्टा और आप पैसा भी कमा सकते हैं। पोजिशनल ले लेने से क्या होता है कि कभी अगर किसी कारणवश पोजिशनल डाउनसाइड स्टॉक चला जाता है, लॉस अगर किसी अकाउंट में लॉस शुरू हो जाता है तो कंटिन्यू 1-2 महीने लॉस ही रहता है। तो इसलिए शुरू दिन से ही प्रॉफिट कमाने की कोशिश कीजिए। और जिनको भी गैन टाइम साइकिल एनालिसिस के कोर्स पे डाउट है वो हमारा वीडियो देख लें। मैक्सिमम स्टॉकों में प्रॉफिट ही हुआ है 99% एक्यूरेसी के साथ गैन टाइम प्राइस एनालिसिस, गैन एंगल एनालिसिस, गैन स्क्वायर ये सारे कोर्स के पार्ट हैं। तो इसमें हम गैन एम्बलम, गैन स्क्वायर ऑफ 9 और गैन एंगल एनालिसिस और गैन प्राइस एनालिसिस, ये 4-5 चीज़ों का कंबाइन कोर्स है। ये एक दिन का सारे चार कोर्स हैं, एक एक दिन का है और कंप्लीट उस पर 10 के जगह 15-20 घंटे भी लगते हैं। तो मैं कराता हूँ एक्चुअली ये उन लोगों को ज़्यादा समझ में आता है जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है। तो मैथ जिसका स्ट्रॉन्ग है वही कोशिश करे गैन सीखने का, और कैपिटल रिक्वायर्ड है। मैं सबको नहीं सिखाता हूँ, तो जो लोग सीखना चाहते हैं उनके पास फर्स्ट कंडीशन ये है कि 2.5 से 5 लाख रुपया उसके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, जिससे कि वो गैन को सीखने के बाद उसका यूटिलाइज कर सके। और सीखते ही यूटिलाइज नहीं करेगा तो बाद में गैन भूल भी जाएगा, तो इसलिए कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि 50,000 लगा करके आप, हाँ उसके लिए क्रूड ऑयल का मेरा कोर्स है 15,000 रुपीज़ का। 15,000 में क्रूड ऑयल का मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी सिखाता हूँ, जिसमें गैन एंगल RSI मूविंग एवरेज और कुछ मेरी स्ट्रेटजी है उस कंप्लीट शेयर करता हूँ, जिसमें कंप्लीट क्रूड का आप कैप्चर कर सकते हैं कि क्रूड किस तरीके से बिहेव करता है, क्रूड का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इंट्राडे टारगेट क्या होगा, कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा आज की इस हफ्ते की एनालिसिस फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी, और वीडियो में जो भी मैंने एनालिसिस किया ओनली लर्निंग ट्रेनिंग पर्पज से, ना कि ट्रेडिंग पर्पज से। तो ट्रेड करने से पहले जरूर अपनी एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।